नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में भर्ती आई है असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी, LDC की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इनके पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी हुई है 20 अगस्त को, जिसमें स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, LDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आपके लिए आई हुई है। भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, और इसमें रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका रहने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 20 अगस्त से और लास्ट डेट है 19 सितंबर। 19 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप फीस भी जमा करा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप NCTE की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको वैकेंसीज में जाके वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें 3 स्टेज होंगे। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप फीस जमा कराएंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, वैकेंसी कितनी आई है। तो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 3, ये है 35 या 400 वाले ग्रेड में और एज लिमिट है 20 से लेकर 27 साल। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसी 3 आई है और ये भी 35 या 400 वाले ग्रेड में है, एज है 28 से लेकर 27 साल। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी 6 आई है 25,500 वाले ग्रेड में और 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी 1 आई है 25,500 वाले ग्रेड में, ये वैकेंसी है और एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। वहीं अगर हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसके लिए 5 वैकेंसी आई हैं 19,900 वाले ग्रेड में, 28 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा और उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगा जो आपके लिए रिजर्व हैं। 18 वैकेंसी टोटल आपके लिए आई हुई हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी आपने BA, BSc, BCom, BE, BTech कुछ भी कर रखा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपने 12th पास कर रखा हो और आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश या फिर हिंदी स्टेनो आती हो, शॉर्ट हैंड आती हो, और आपको डाटा एंट्री का काम और वर्ड प्रोसेसिंग आती हो, यानी आपको कंप्यूटर की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनो आती हो, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। वही अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपको डाटा एंट्री की नॉलेज हो 15,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से। अगर हम बात करें LDC की, तो LDC के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आती हो, या तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और ये आपके कंप्यूटर पर चेक किए जाएंगे। कंप्यूटर की आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और आपको जो स्किल टेस्ट है वो भी कंप्यूटर पर ही क्वालिफाई करना होगा। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनकी 3 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और बाकी जो PH कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। जो जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं 1980 से लेकर 89 तक, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और ये उन्हीं पोस्ट के लिए मिलेगी जहां रिजर्वेशन की भर्ती आई हुई है, यानी SST OBC की अगर वैकेंसी है तभी एज में छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस SC ST PH महिला और एक्स सर्विसमैन को नहीं देनी है, बाकी जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को देनी है। असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर यानी जो 4200 ग्रेड पे में वैकेंसी है 35 या 400 वाले ग्रेड में, उसके लिए फीस है ₹1,250। वहीं स्टेनो ग्रेड डी, LDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फीस है ₹1,000। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो असिस्टेंट की भर्ती आई है उसके लिए आपका 90 मिनट का एक एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 200 नंबर का ये रहेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे, जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 होंगे इंग्लिश कंप्रिहेंशन के। वहीं स्किल टेस्ट की बात करें, तो आपका CPT होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित जो आपको टास्क दिए जाएंगे उनको आपको कंप्लीट करना होगा। कोई भी इंटरव्यू इस भर्ती के लिए नहीं होना है। वहीं अगर बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की, तो इसके लिए आपका 90 मिनट का एग्जाम आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का ये रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 15 आएंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अर्थमेटिक के,
20 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के, वही 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर नॉलेज के। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा वो 50 नंबर का होगा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, जिसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश या फिर हिंदी में शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद 50 मार्क्स होंगे आपके टाइपिंग टेस्ट के, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना होगा। और 100 मार्क्स का होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये सब क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और इनको पास करना आपको आवश्यक होगा। कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, वही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। स्टेनो ग्रेड डी की बात करें तो इसके लिए आपका 90 मिनट का एग्जाम रहने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी, 15 इंग्लिश, 30 नंबर की होगी रीजनिंग और मैथ, 20 नंबर की होगी जनरल अवेयरनेस और 20 नंबर की होगी कंप्यूटर नॉलेज। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड करनी होगी और इसके 50 मार्क्स होंगे। वहीं टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपको इंग्लिश में 35 WPM या फिर हिंदी में 30 WPM की स्पीड से टाइप करना होगा, 50 नंबर होंगे। वहीं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 100 मार्क्स होंगे और क्वालिफाइंग नेचर का ये रहेगा। इसमें आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग क्वालिफाई करनी होगी, साथ ही CPT में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो इसके लिए आपका 90 मिनट का पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें और 200 मार्क्स होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगी आपकी, 25 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, 25 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वहीं 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में टाइप करना होगा, 50 मार्क्स का ये होगा। वहीं 100 मार्क्स का होगा आपका CPT, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा और आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। वहीं CPT में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वैसे हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि आपके 15,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड मेंटेन हो जाए। तो 15,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी मेंटेन हो जाए उस हिसाब से आपका टाइपिंग टेस्ट डिजाइन किया जाएगा। अगर हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की तो इसके लिए आपका 90 मिनट का एक पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे और 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे इंग्लिश के, 20 होंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के, 20 होंगे करंट अफेयर्स के, अर्थमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 WPM की स्पीड से आपको टाइप करना होगा। 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहीं CPT जो होगा MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, इंटरनेट का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। वहीं जो CPT है उसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इस भर्ती में नहीं रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती में आपकी नहीं रहेगी। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है शेड्यूल है वो सब आपको nct.gov.in पे आगे मिल जाएगा, डिटेल एग्जाम शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपके रिटर्न की जो मेरिट है उसी के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिटीज की। तो NCT ने पूरे भारत में एग्जाम सेंटर्स बनाए हैं, 25 एग्जाम सेंटर आपके लिए बनाए गए हैं, इनको बाद में घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। पटना बनाया गया है बिहार में, झारखंड में रांची, भुवनेश्वर बनाया गया है उड़ीसा में, गुवाहाटी बनाया गया है असम में, कोलकाता बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, चंडीगढ़ बनाया गया है चंडीगढ़ में, दिल्ली NCR है दिल्ली का, वहीं जम्मू कश्मीर का बनाया गया है जम्मू, और पंजाब का बनाया गया है अमृतसर। इसके अलावा जयपुर बनाया गया है, साथ ही लखनऊ बनाया गया है, देहरादून बनाया गया है, विजयवाड़ा है, विशाखापत्तनम है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, एर्नाकुलम है, तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई है, नागपुर है, रायपुर है और भोपाल है। कुल मिला के आपके 25 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और आपको 3 कोई भी एग्जाम सेंटर चूज करने होंगे। और जब आप एग्जाम देने आएंगे तो अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे, साथ ही एक वैलिड ID प्रूफ ओरिजिनल लेके आएंगे, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये आप लेके आएंगे। और जो कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनको फीस अलग अलग जमा करानी होगी। अगर फीस वाली कैटेगरी है, नॉन फीस वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, कितने भी फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग ही भरने होंगे। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की वेबसाइट पर 3-4 दिन बाद आ जाएगी, और उसके बाद फाइनल रिव्यू के लिए होगी। और जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही आपकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक बात और, NCT ने स्ट्रिक्टली एडवाइज किया है कि कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो रिसेंट होगा
वही फाइनल माना जाएगा। तो आप कोशिश ये करना कि आप एक से ज्यादा न करें अप्लाई एक पोस्ट के लिए। हेल्प डेस्क की बात करें तो आप 0228-68-20-27-68 यानी 0226-8202-7-68 यहाँ पर आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मंडे टू संडे कॉल कर सकते हैं ऑल डेज। साथ ही आप NCTERECTT@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का निदान NCT द्वारा किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण दिनांक फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 अगस्त, लास्ट डेट है 19 सितंबर। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।